हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे युवा क्यू सिरप के बारे में। अगर बात करें युवा की सिरप का, तो ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। जिनको कब्ज की शिकायत होती है, जिसका जो टॉयलेट है साफ नहीं होता है, तो उसमें ये यूज किया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको छोटे से लेकर बड़े तक इसका यूज कर सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में युवा क्यू सिरप के बारे में, इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, कितने स्ट्रेंथ में आता है, उनकी क्या प्राइस है, कितने रुपए का आएगा, कहां पर मिलेगा, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, डोज कैसे लेना है, पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं युवा क्यू सिरप के बारे में। तो देखो, ये तीन स्ट्रेंथ में आता है, 100 ml, 200 ml और 500 ml। तो जो 100 ml का है उसकी प्राइस 160 रुपये के करीब है, और जो दूसरा है 200 ml उसकी प्राइस करीब करीब 300 रुपया है, और जो 500 ml का है उसकी प्राइस 550 रुपया है। ये बहुत फेमस है, इसको मेडली नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये आपको आपके नज़दीकी मेडिकल पे आसानी से मिल जाएगा। अगर बात करें इसके कंपोनेंट के बारे में कि इसमें क्या कंपोजिशन डाला गया है, तो इसमें डाला गया है लैक्टिटोल मोनोहाइड्रेट 66% वेट बाई वॉल्यूम, जो कि एक लैक्जेटिव का काम करता है। लैक्जेटिव मतलब होता है कि आपके जो डाइजेशन है उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में। तो जैसे मैंने पहले कहा है कि जिन लोगों को कब्ज की शिकायत होती है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन होता है, उनका टॉयलेट 2-3 दिन नहीं होता है, तो उनको ये दिया जाता है। उसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपको बदहजमी की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसके अलावा गैस बना रहा है, तो भी इसका सेवन आप कर सकते हैं। और ये जो है छोटे से लेके बड़े तक सब में यूज किया जा सकता है, और शुगर फ्री है, मतलब डायबिटिक के पेशेंट है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो बहुत कम साइड इफ़ेक्ट है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे जाते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट है जैसे कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने लगेगा, उसके अलावा वोमिटिंग होने लगेगी, स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना होने लगेगा, ये सब साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। आप सबसे बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इसके डोज के बारे में। तो जो इसका डोज है आपके वेट और उम्र के हिसाब से डिपेंड रहता है, बट जो एडल्ट पेशेंट है जिनकी उम्र 18 साल से अबव है, उनको 15 ml दिया जाता है दिन में एक बार, या तो सुबह या तो शाम, दिन में एक बार 15 ml दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप बच्चे हो 2 महीने से लेके 6 साल के बीच में, तो 2.5 ml सुबह शाम या दोपहर 3 टाइम दे दिया जाता है 2-2 ml करके, नहीं तो फिर 2-3 ml सुबह और शाम कर दिया जाता है। और जो 18 साल के बीच में होते हैं उनको 5 ml दिया जाता है सुबह या शाम को। तो इस तरह से इसका डोज दिया जाता है। फिर भी अगर आप इसको ले रहे हो अपने से, तो डॉक्टर से ज़रूर इसका डोज पूछ लेना। दोस्तों, अगर बात करें इसके सेफ्टी के बारे में, तो ये बिल्कुल भी सेफ है, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर आप इसको ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर की ज़रूर सलाह ले लें। वैसे तो सेफ है, लेकिन फिर भी आप अपना रिस्क पे मना लें, एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी युवा क्यू सिरप के बारे में। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।